के बाद भी अनावश्यक रूप से रोके रखने की कार्रवाई की गई। यह संविधान द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गारंटी कृत मूलभूत अधिकारों अनुच्छेद 19 के एक के अंतर्गत ऑब्जेक्ट और बोलने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19 बी के अंतर्गत शांतपूर्ण ढंग से एकत्रित होने के अधिकार की खुली अवहेलना है। ज्ञापन एक बेहद नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। देश की राजधानी में एक लंबे समय तक एक सांसद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों का प्रदर्शन चला और थक हार कर वो सभी हरिद्वार में अपने मेडलों को गंगा में प्रवाहित करने गए। उसके साथ साथ यहाँ लखनऊ में भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर तमाम ऐसे संगठन हैं जो एक मंच पर आ गए। आयशा एपवा और RIV जो भी संगठन RYE जो भी संगठन है यहाँ पर राजधानी लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी साफ तौर पर मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले पर केंद्र की मोदी सरकार आखिर चुप क्यों है, आखिर सांसद की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, उसके साथ साथ क्या कानून सभी के लिए अलग अलग है, क्योंकि आमतौर पर किसी पर भी जब आरोप लगता है तो कानूनी प्रावधान के तहत उसकी गिरफ्तारी प्राथमिकता होती है, लेकिन अभी तक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। हमारे साथ तमाम महिलाएं जिनसे जानते हैं आज के क्या कहना चाहेंगे मैडम, आज के संगठन से है उसके साथ साथ ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर इतना आक्रोश क्यों? मैं कृष्णा अधिकारी, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा के प्रदेश अध्यक्ष। हम लोग यहाँ पर सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जो महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न करने के आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा मार्च था परिवर्तन चौक से GPO तक, लेकिन हमें मार्च निकालने नहीं दिया गया और हमारी महिलाओं को सारे छात्र नौजवानों को भारी पुलिस बल ने हमें गिरफ्तार करके यहाँ डिटेन कर रखा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह जो हमारे देश के वो पहलवान जो देश के पैमाने पे भारत के नक्शे को बुलंद किया है उनके साथ जिस तरीके से उन्होंने यौन उत्पीड़न किया है और FIR दर्ज होने के बावजूद भी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ये निंदनीय है, ये शर्मनाक है। और हम इस मांग को करते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, महिला पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, इन्हीं मांगों को लेकर के हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम क्या नाम है आपका, और इसके साथ साथ क्या कानून अलग अलग होने चाहिए सभी के लिए, जिस तरह से मुकदमा दर्ज होने के बाद भी सांसद की गिरफ्तारी नहीं होती? मेरा नाम कुसुम वर्मा है, मैं एपवा की प्रदेश सचिव हूँ। और ये जैसा कि आपको पता चला कि ब्रजभूषण सिंह जो उत्तर प्रदेश से ही सांसद हैं जिनके ऊपर यौन शोषण के वो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। खुद योगी सरकार जो भाजपा से मुख्यमंत्री हैं और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ये सरकार बात कर रही है, और आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 28 मई को जब महिला पहलवानों ने अपने न्याय के लिए दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया तो उनके ऊपर लाठी चार्ज हुआ, उन पे हिंसा की गई, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए। उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ पर उनकी न्याय की लड़ाई के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और आप कह रहे हैं कि कानून सबके लिए बराबर होता है, संविधान सबके लिए बराबर है, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेके मुख्यमंत्री बने, आज कानून की बात करते थे वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन आज वही संविधान की अवहेलना कर रहे हैं, संविधान को स्थगित करके तानाशाही ढंग से बुलडोजर राज का प्रतीक बनाकर उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की महिला आबादी इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और ये जो तमाम हाथरस से लेकर तमाम घटनाएं हुई हैं जिसमें ये लोग बलात्कारियों का और अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, हम अपने न्याय की लड़ाई को, महिलाओं के न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। और हम ये भी कहने आए हैं कि ये जो डबल इंजन की सरकार है भाजपा की जिसपे बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं और अब ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, ये इनके इंजन खराब हो चुके हैं, हिंदुस्तान की रियाया इनकी हकीकत जान गई है और आने वाले 2024 में ये जो दमन और हिंसा की ये जो सरकार है इसको बदल देगी और संविधान के मुताबिक ये राज चलाएगी। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संगठन उसके साथ साथ लगातार तमाम पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक केंद्र से भी जो प्रधानमंत्री मोदी है उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया। उसके साथ साथ जिस दिन लोग जो सांसद भवन है उसका शुभारंभ उद्घाटन हुआ उस दिन भी काफी हिंसा हुई, पहलवानों का काफी प्रदर्शन हुआ, लेकिन कोई भी जवाब नहीं है। अभी अगर मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आप लोग? देखिए, मेरा नाम आयुष है, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। हम ये देख रहे हैं लंबे समय से कि इस देश में अब जो हो रहा है दो तरह के कानून लागू किए जा रहे हैं। एक तो इस देश में जो संविधान है उसको पूरा ताक पर रख दिया जा रहा है और
भाजपा सरकार का पिछले काफी समय से, चाहे वो प्रदेश का योगी सरकार हो या केंद्र का मोदी सरकार हो, लंबे समय से हम देख रहे हैं ये चलन बनता जा रहा है कि जो भी बलात्कारी हैं या जिनके ऊपर ऐसे आरोप लग रहे हैं उनको किस तरीके से संरक्षण दिया जाए, उनका कैसे बचाव किया जाए, ये पूरा भाजपा का मंशा रहता है। हमने उन्नाव में देखा कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने के लिए कैसे ये भाजपा सरकार अंतिम हदों तक गया और जो पीड़िता थी उसके परिवार के कितने लोगों की जाने ले ली और ये कुलदीप सिंह सेंगर और उसके एक तरीके से पूरे जो उसके आसपास चेले हैं। हमने हाथरस में देखा कि जो दलित एक लड़की है उसके ये खबर आती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है और गांव में जो सामंती लोग हैं, जो ठाकुर लोग हैं, उन्होंने ऐसा किया, तो उसको भी बचाने के लिए पूरा पुलिस महकमा और पूरा प्रदेश का योगी सरकार लग गया। उसी क्रम में ये जब आज हमारे सामने ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम आता है, जो कि ये पूरा एक एक लोग वाकिफ हैं, गोंडा फैजाबाद अयोध्या के एक एक लोग वाकिफ हैं कि कितना बड़ा ये हिस्ट्री शीटर है ब्रिजभूषण शरण सिंह, लेकिन उसको बचाने के लिए ये वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में ये कैसे सत्ता का संरक्षण उसको प्राप्त हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जो महिला पहलवान है उनको महीने भर से ज्यादा हो रहा है जंतर मंतर पे बैठे, वो मांग कर रहे हैं इतने गंभीर आरोप में कि इसने यौन हिंसा किया है हमारे साथ और उसमें नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं, तो पॉस्को जैसे एक्ट में 15 से ज्यादा आरोप लगे हैं, पॉस्को एक्ट लगे हैं, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये जो पूरा आपने जिक्र किया कि नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था हम कह रहे हैं हजारों साल पहले, हजारों साल पीछे इस देश को ढकेलने का जो कोशिश मोदी सरकार की तरफ से हुआ, जो सिंगोल लेके जो अपने आप को राजा महसूस करना चाहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, उनको बताना चाहते हैं हम ये कि अब ये कोई राजवंश नहीं है या राजशाही नहीं चल रहा है, अब लोकतंत्र है, इस देश में संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। लेकिन उसके विपरीत हम जिस दिन ये उद्घाटन हो रहा था नए संसद भवन का, उसी से 1.5 किलोमीटर दूरी पर हम क्या देखते हैं, जो महिला पहलवान है उनको कैसे पटका जा रहा है, कैसे उनके साथ हिंसा हुआ, जो मांग कर रहे हैं न्याय की उनके साथ कैसे अन्याय हुआ। पूरे देश में किसान संगठन हो, महिला संगठन हो, छात्र संगठन हो, युवा संगठन हो, अब एकजुट एक मंच पे आने वाले दिनों में अपना ये आंदोलन और मजबूत करे, अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होते अपना आंदोलन और मजबूत होगा। सर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुनील है और मैं RYA रिवोल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और बहुत साफ है कि मोदी और योगी सरकार सांप्रदायिक मनुवादी सिस्टम के साथ आगे चल रही है, और हम लोग ये बात समझते हैं कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ उनके ऊपर हुए यौन शोषण के खिलाफ कुछ सरकार नहीं कर रही, और उल्टा ब्रिजभूषण शरण सिंह नए संसद में मोदी जी के साथ बैठते हैं, और ये संदेश दिया जा रहा है इस देश के अंदर मनुवादी सांप्रदायिक व्यवस्था चलेगी और कोई कुछ नहीं कर सकता। ये जो सरकार है मोदी और योगी की, जो भाजपा की सरकार है, जो उनको लगता है कि पूरा देश और पूरी मीडिया और पूरा समाज उनके ही गुलामी करेगा, हमने इसको चुनौती दिया है, और इनके हजारों की पुलिस की फौज को चीरते हुए हम लोगों ने ये कहा था कि हम लखनऊ के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश का सांसद है लेकिन कोई आवाज नहीं उठ रही है, FORY और ISA के लोगों ने कहा कि हम लखनऊ के अंदर महिला पहलवानों के पक्ष में विरोध मार्च निकालेंगे और ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और आज जब हम लोग इस मार्च को निकालना ही चाह रहे थे तो हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स आई, हम लोगों ने कहा हम ज्ञापन दे के शांति से जाने वाले लोग नहीं है, हमने तय किया हम विरोध करेंगे, और उन्होंने ठूस के धक्का मुक्की करते हुए पीटते हुए हम लोगों को गिरफ्तार किया और इको गार्डन में ला के छोड़ दिया। तो हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी नाम की चीज भी इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर नहीं बच रही है, और ये जो लोकतंत्र को खत्म कर देने की जो साजिश है इसको महिला छात्र नौजवान बर्दाश्त नहीं करेगा, और आने वाले दिनों में अगर ये सोचते होंगे कि सिर्फ मंत्र मार देने से सब कुछ चल जाएगा तो मोदी जी योगी जी बहुत दिन की बात नहीं है, आने वाले दिनों में यही छात्र नौजवान आपको उखाड़ फेंकेगा। तो ये थे तमाम लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज लखनऊ के जो हजरतगंज है वहां पर ये लोग निकले थे, पैदल मार्च कर रहे थे, पुलिस बल द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर इको गार्डन में लाया गया। देश की सांसद के जो ब्रजभूषण शरण सिंह है इन पर गंभीर आरोप लगे हैं, साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि यौन शोषण के गंभीर आरोप हैं।
लेकिन इस मामले पर ब्रजभूषण शरण सिंह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कहते हैं कि अगर कोई भी आरोप सिद्ध होता है तो उनकी गिरफ्तारी की जाए। लेकिन क्या न्याय जो कानून जो बना है, जो संविधान है, उसमें क्या अलग अलग अधिकार हैं एक आम आदमी के लिए कानून अलग और एक सांसद के लिए अलग? अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पूरे देश में कहीं ना कहीं युवा, नौजवान, किसान आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले पर बड़े चेहरे भी सामने आते नजर आ रहे हैं। राकेश टिकैत जैसे नेता भी, जब वो पहलवान अपने मेडल को फेंकने हरिद्वार गए तो वहां पर राकेश टिकैत आए, जिन्होंने कहीं ना कहीं मेडल फेंकने से उन्हें रुकाया, लेकिन ये भी कहा कि गिरफ्तारी तक इनका संघर्ष के साथ किसान भी खड़े। सहयोगी भरत के साथ मैं